नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360 और मैं हूं आपके साथ जावेद। आज की हमारी खास रिपोर्ट एक अनोखी दोस्ती पर है, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक जंगली तोते और एक गांव के बुजुर्ग काका छत्तरलाल की है। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र से ये दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई, तो चलिए आपको दिखाते हैं रामू तोते और काका छत्तरलाल की ये अद्भुत दोस्ती। कहते हैं दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, और ये साबित किया है रामू नाम के एक जंगली तोते ने। छत्तरलाल काका रामू तोते को जंगल से लेकर आए थे, तभी से उसे उन्होंने पाला और कभी भी कैद में नहीं रखा। काका छत्तरलाल बताते हैं कि रामू ने उन्हें खुद चुना, तभी से दोनों के बीच ऐसा रिश्ता है जैसे मानो बाप बेटे हो। रामू तोता दिन भर जंगल में अपने साथियों के साथ आजाद उड़ता है, लेकिन शाम होते ही वे काका छत्तरलाल के पास लौट आता है। जैसे ही सूरज ढलने को आता है, रामू रोजाना अपने ठिकाने से निकलकर काका के घर आता है, उनसे बातें करता है और रात भर वही उनके साथ रहता है। यह तोता कभी पिंजरे में नहीं रहा, यह पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी रोज काका से मिलने लौट आता है। आँख में सांस सबों के मिटे, कटी नाखून अड़ नहीं जाए, सोन चढ़ के नहीं तकलीफ नहीं दे ला, पतरी सतह ही राह जी। क्या खिलाते हैं आप इसको, क्या खाता है? दूध पीता है, रोटी खाता है, मिर्च। अब क्या कह रहा है, दूध पीना है? टमाटर, रोटी, दूध, ये दोनों खाता है। टमाटर, मिर्च खाने की बहुत सारी वस्तु है इनकी। कब आया था आपके पास ये? 5 साल से। दिन भर क्या कहाँ रहता है ये? बाहर घूमता है। गांव में रामू और काका की इस अनोखी दोस्ती के चर्चे खूब हो रहे हैं। लोगों को ये देखकर ताज्जुब होता है कि रामू तोता कभी भी कैद में नहीं रहा, लेकिन उसकी दोस्ती काका छत्तरलाल के साथ ऐसी है वे बिना किसी बंधन के रोज उनके पास लौट आता है। पिछले कई सालों से ये रिश्ता बिना किसी रुकावट के बना हुआ है, जो वाकई अद्भुत और प्रेरणादायक है। एक जंगली तोते और एक बुजुर्ग इंसान के बीच का ये रिश्ता हमें बताता है कि सच्ची दोस्ती में ना तो किसी बंधन की जरूरत होती है और ना ही किसी शर्त की। रामू और काका छत्तरलाल की ये अनोखी दोस्ती सच में दिल को छू जाती है। गोगुंदा उदयपुर से हमारे संवाददाता गणपत सिंह मांडोली की ये खास रिपोर्ट। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी काका छत्तरलाल और रामू तोते की ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी कहानियों के लिए आप देखते रहिए थिंक 360। नमस्कार।